मैं एडवोकेट राहुल भारती है, भीम आर्मी से, युवा प्रभारी दिल्ली प्रदेश से। आज का जो मुद्दा है, जो मैनुअल स्कैनिंग, जो इस देश के अंदर कास्ट बेस्ड जो प्रोफेशन बनाया गया था कि हमारे समाज के अंदर की केवल निचली जाति का इंसान ही गटर में उतरेगा, नालों को साफ करेगा, कि जाति के हिसाब से कि वो निचले पायदान पे पैदा हुआ इसलिए वो गंदा काम करेगा, तो ऐसा जो पिछली सदियों चला आ रहा है, जबकि हर इंसान की संविधान ने हर इंसान को उनकी डिग्निटी दी, उनकी रिस्पेक्ट दी, सेल्फ रिस्पेक्ट दी, ताकि हर इंसान को उसके राइट का प्रोटेक्शन हो सके। ह्यूमन राइट्स वॉच, इस तरह की संस्थाएँ हैं जो इतना काम कर रही हैं इंसान के वायलेशन को बचाने के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो 11 मौतें हुई, क्योंकि जो गटर में इंसान उतरता है तो वो टॉक्सिस गैसेस, इतनी खतरनाक गैस होती है कि उसके ऑक्सीजन का प्रवाह को रोक देती है, जिसके वजह से इंसान का डेथ हो जाती है। और जो अभी जो 2013 में मैनुअल स्कैनिंग एक्ट 2013 में दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया, जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उस पर चर्चा होनी बाकी है। तो हम ये चाहते हैं कि जब घरों को सफाई करने के लिए क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं, हमारी गाड़ी साफ करने के लिए क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं, तो नालों को, गटर को साफ करने के लिए क्लीनिंग इक्विपमेंट्स क्यों नहीं दिए जाते? ये एक बहुत ही वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का। जय भीम, नमो बुद्धाय।